नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है क्राइम कॉलेज। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। दिल्ली, जहां की पुलिस ने आजकल अपराध का समूल नाश करने की मुहिम छेड़ी हुई है। अपने इस मुहिम को सफल बनाने के लिए रात दिन प्रयासरत है दिल्ली पुलिस। लेकिन इसके बावजूद भी ना अपराध मिटे हैं और ना अपराधी। और इसका मुख्य कारण है पुलिस का सही समय पर घटनास्थल पर ना पहुंच पाना। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो ज्यादातर घटनास्थल पर सही समय पर पहुंच जाता है, और वो है दिल्ली की आंख समझे जाने वाला वंडरमैन परमाणु, कानून और इंसाफ का दोस्त परमाणु, और तुम जैसों का दुश्मन धाड़ ताड़। आह, तूने आज यहां आकर वो गलती की है परमाणु, जिसे सुधारने का तुझे कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने यहां तेरे लिए तैयार कर रखा है मौत का सिकंजा। ओह तेरे कहर से थर्राता अपराध जगत आज खूब जी भर कर जश्न मनाएगा, क्योंकि आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन परमाणु इस दुनिया से विदा हो रहा है। तर 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 स्टेन गनों से निकलने वाले उन सैकड़ों गोलियों का निशाना एक ही था, परमाणु, सिर्फ परमाणु। आ तड़ 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 तड़। गोलियां लगने के बाद परमाणु का शरीर कुछ पल तड़पा और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। परमाणु खत्म। अब हम कहलाए जाएंगे ग्रेजुएट, और हमें मिलेगी डिग्री किलर ऑफ परमाणु, यानी परमाणु के हत्यारे। एकदम गलत, एकदम गलत। आ सड़ाक सड़ाक। परमाणु के डम्मी को अपने जाल में फंसाने के बाद गोलियों से छलनी करके इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। असली परमाणु को इस तरह फंसाकर भी तुम उसका बाल बांका नहीं कर पाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है प्रिंसिपल? मैं बताता हूं। ध्यान दो, शिकंजे में फंसने के बाद भी परमाणु के दोनों हाथ आजाद थे। अगर डम्मी की जगह वहां असली परमाणु होता, तो जैसे ही तुमने गोलियां बरसाना शुरू किया था, वैसे ही वो अपनी बेल्ट का स्विच दबाता और वहां से ट्रांसमिट हो जाता और जा पहुंचता तुम्हारे एकदम पीछे। और ये बात तो तुम समझ ही सकते हो कि फिर परमाणु तुम्हें क्या, तुम्हारे फरिश्तों को भी संभलने का मौका नहीं देता। ताड़ धाड़। और तुम सब इस समय सेंट्रल जेल में होते, समझे? सड़क आ। फिर प्रिंसिपल सामने मौजूद जुर्म की दुनिया की छोटी बड़ी हस्तियों की तरफ पलटा। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी छोटी छोटी गलतियां करके ही तुम जैसे अपराधी कानून के रखवालों के सामने मात खा जाते हैं। और जानते हो ये गलतियां क्यों होती है? क्राइम एजुकेशन ना होने की वजह से। 90% क्रिमिनल ये नहीं जानते कि कैसे क्राइम करना है और कैसे बचना है। क्राइम की ABC भी नहीं जानते वे। ऐसे ही लोगों को क्राइम का ज्ञान देकर उन्हें पहुंचा हुआ एवं सफल अपराधी बनाने के लिए मैंने खोला है ये क्राइम कॉलेज, जिसमें मैं यानी क्राइम कॉलेज का प्रिंसिपल क्राइम एजुकेशन के लिए आने वाले हर शख्स का स्वागत करता हूं। दिल्ली के एक अति व्यस्त इलाके में स्थित ये गगनचुंबी इमारत पुलिस नामक अपराधों से लड़ने वाली संस्था का मुख्यालय है। यही मौजूद है वो फोन प्रणाली, जिसका नंबर है 100। ट्रेन ट्रेन। नमस्कार, पुलिस हेडक्वार्टर, अजमल खां रोड करोलबाग में रामलाल जौहरी की दुकान को लूटने कई हथियारबंद बदमाश आ पहुंचे हैं, सहायता भेजिए। खटाक। ऐसी सनसनीखेज सूचना पाने के बाद हेडक्वार्टर में बैठी ऑपरेटर का एक ही काम होता है, उस सूचना को घटनास्थल के निकटतम पुलिस स्टेशन को तुरंत प्रसारित करना। हेलो करोलबाग पुलिस स्टेशन, करोलबाग पुलिस स्टेशन। उसके साथ ही वो सूचना PCR जीपो यानी पुलिस कंट्रोल रूम के जीपो को भी प्रसारित की जाती है। अखमल खां रोड,
रामलाल जौहरी की दुकान पर लूट हो रही है। सूचना पाते ही निकटतम पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों का काम होता है बिना कोई क्षण गवाए घटनास्थल के लिए रवाना होना। बेचारे व्यस्त बाजार की भीड़ को चीरते हुए जब ये रामलाल जौहरी के शोरूम में पहुंचेंगे तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दुकान रामलाल की नहीं। पिट पिट छनाक, श्यामलाल जौहरी की लूटने वाली है। प्रिंसिपल ने पढ़ाया था कि झूठा फोन करके इलाके के पुलिस को व्यस्त कर दो और साइलेंसर युक्त हथियारों का प्रयोग करो और साथ ही आसपास के सभी टेलीफोन कनेक्शन काट दो, तो टक तुम बेरोक टोक एक सफर लूट करके आराम से वापस लौट सकते हो। लेकिन फिर भी किन्हीं कारणवश पुलिस तुम्हारे पीछे लग जाए तो जुम प्यू 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 प्यू। ऐसे ही मौके के लिए अपनी गाड़ी में रखे मोबिल आयल को सड़क पर गिरा दो, इससे पीछा करने वालों से अपने आप ही तुम्हारा पीछा छूट जाएगा धड़ाम। और अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए अपने पीछे फोड़ दो गाढ़े धुएं का बम, इससे किसी को ये भान नहीं हो पाएगा कि तुम किस दिशा में गए हो। बड़ाम, अपने रात दिन के अथक प्रयास के बाद हमने शहर में जिन अपराधों पर काबू पाया था आजकल उनमें एकाएक बढ़ोतरी हुई है और लगभग सभी अपराधी अपराध करके बड़ी सफाई से बच निकले हैं। अधिकतर सफल अपराधी एक ऐसी संस्था से परीक्षण प्राप्त करके आए हैं जिनका नाम क्राइम कॉलेज है। ये क्राइम कॉलेज क्या है और ये अपराधियों को किस तरह के परीक्षण और यह अपराधियों को किस तरह के प्रशिक्षण दे रहा है, इसकी जांच करने के लिए हम तुम्हें और तुम्हारे साथ मुंबई स्पेशल पुलिस ब्रांच के ट्रांसफर होकर आए इंस्पेक्टर धनुष और उसके सहयोगी हवलदार बान को नियुक्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम तीनों इस अभियान में जल्द ही सफल होकर दिखाओगे। यस सर। फिर तीनों कमिश्नर के ऑफिस के बाहर आ गए। सुना है दिल्ली पुलिस की नाक समझे जाते हो तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं मानता, मैं तो अपने फर्ज को अपनी पूरी मेहनत और लगन से अंजाम देता हूँ। लोग वैसे ही मेरे बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता है, वरना मुझे तो तुम में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। अपना अपना नजरिया है, इसमें कोई क्या कर सकता है। फिर विनय वहां नहीं रुका, अपने सहयोगी हवलदार बान के साथ इंस्पेक्टर धनुष इंस्पेक्टर विनय को जाता देखता रहा। हम जहां रहे वहां हमारे ही नाम की तूती बोली है हवलदार बान, हमें यहां पर भी ऐसा ही करना है और इसके लिए इस इंस्पेक्टर विनय से बाजी मारी जाए, उससे ज्यादा केस हल करके दिखाया जाए। हमें इंस्पेक्टर विनय की एक एक हरकत पर नजर रखनी होगी। तुम समझ रहे हो ना हवलदार बान कि मैं क्या कहना चाहता हूं? बहुत अच्छी तरह से सर। इधर इंस्पेक्टर विनय, पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाले अपराधी उस आंखों को धोखा देने में सफल नहीं हो सकते जिसे दिल्ली की आंख के नाम से पुकारा जाता है। जल्द ही परमाणु को नजर आए उसके मतलब के आदमी, बस निकलने के हर तरीके जानते हैं हम। हमें पकड़ना हवा को पकड़ने के समान है। जल्दी अछंगा, अपने साथी के बैठते ही उस बदमाश ने मोटर बाइक को गियर में डाला और पूरा एक्सीलेटर घुमा दिया। लेकिन ये क्या, बाइक तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। बढ़ेगी कैसे, परमाणु ने अपनी परमाणु रस्सी की मदद से रोक रखी है। रस्सी को काट दे छंगा, रस्सी को काटने के लिए मेहनत करने की क्या जरूरत है? मैं इसे वैसे ही छोड़ देता हूं। ओह, परमाणु के रस्सी छोड़ते ही बंदूक की गोली से भाग खड़ी हुई बाइक, परिणाम बड़ाम। शायद क्राइम कॉलेज में तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि किसी भी वाहन के ड्राइविंग करते वक्त सारा ध्यान सामने रखना चाहिए। खैर, अपनी गलतियों से जब तुम अपने हाथ पैर तुड़वा ही चुके हो तो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे क्राइम कॉलेज का पता बता दो। क्राइम कॉलेज का पता हम तुझे नहीं तेरी लाश को बताएंगे परमाणु, लगता है तुम्हारे हाथ पांव टूटने में अभी कसर बाकी है। कोई बात नहीं,
मैं उसे पूरी किए देता हूं। तड़ाक छपाक, पानी में गिरते ही छला छंगा हलाल होते बकरे की भांति चीखा। मैं तैर नहीं सकता, मुझे बाहर निकालो। तुम्हारी सहायता के लिए मैं कुछ ऐसा फेंक सकता हूं जो तुम्हें डूबने नहीं देगा, लेकिन तब जब तुम मुझे क्राइम कॉलेज के बारे में बताओगे। क्राइम कॉलेज क्राइम एजुकेशन देने वाली एक संस्था है जिसे प्रिंसिपल नामक एक व्यक्ति चलाता है। मैं डूब रहा हूं परमाणु, अगर ऐसा है तो जल्दी जल्दी क्राइम कॉलेज का पता बोलो। दिल्ली से बाहर स्थित नोएडा की फिल्म सिटी का स्टूडियो नंबर 5। धन्यवाद, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। रुको रुको परमाणु, तुमने मेरी सहायता के लिए कुछ फेंकने का वादा किया था। ओह हाँ, याद आया, लो पकड़ो इसे, लेकिन मुझे भी तैरना नहीं आता। धाड़। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और Top 10 Pitara को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।